बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का गोंडा का दौरा आज रहने वाला है। पूर्व मंत्री पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण वो करेंगे, पूर्व मंत्री के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। तो अखिलेश के साथ राम गोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। सपा के तमाम बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिलेश यादव गोंडा के दौरे पर रहने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजमंगल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजमंगल, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? अखिलेश यादव का गोंडा का दौरा रहने वाला है, जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? गोंडा में आज 7 जनवरी को यहाँ पे पंडित सिंह का जन्म दिवस मनाया जाता था, लेकिन पंडित सिंह का कोरोना काल में मौत होने के कारण ये पहला उनका जन्म दिवस है जहाँ पे वो खुद नहीं मौजूद रहेंगे और वहाँ इनकी मूर्ति बनी हुई है और मूर्ति का अनावरण करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जी और उनके परिजनों से मिलेंगे। यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, उनके साथ बैठक भी कर सकते हैं और यहाँ पे जनता को संबोधित भी करेंगे। जी राजमंगल, बात की जाए जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि बार बार इस चीज का जिक्र किया जा रहा था कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, उसके मद्देनजर जो तमाम प्रचार प्रसार है उस पर थोड़ी बहुत पाबंदियां यहाँ पर लगाई जाएं, साथ ही साथ रैलियों में भी पूरी तरह से व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए जाएं, तो अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं गोंडा में, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज 7 जनवरी को गोंडा के टामसन इंटर कॉलेज में एक बड़ा प्रांगण है जहां पे कार्यक्रम होना था और वहां पे बड़े रैली का आयोजन था, लेकिन कोविड को देखते हुए उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और सूरज कॉन्टिनेंटल होटल जो है उसके अंदर ये कार्यक्रम किया गया है, जो कि उनका ये केवल प्राइवेट कार्यक्रम है। गोंडा के कुछ समर्थक जो है उनके रहेंगे इसमें, और हालांकि जो नेता है बड़े लेवल के वो इसमें साथ रह रहे हैं। कुछ हद तक अगर देखा जाए तो कोविड को देखते हुए यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो नियमों का पालन करते हुए दिख रहे हैं, मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। अधिकतर लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो सपा समर्थक ही लोग आए हैं। चलिए राजमंगल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.